नमस्कार हमारे सभी भाई बंधुओं को। देखिए प्लांट के पास हम लोग सांप पकड़ने के लिए आए हैं। और ये कौन सा प्लांट भैया? बिंदी स्टोन। और भैया लोग बोले हैं कि ये सांप अजगर का बच्चा है। नदानी में लोग गलती लोगों से हो ही जाती है, सांप की पहचान नहीं रहती है। लेकिन सांप को हम लोग आगे देखते हैं कि सांप कौन सा है। भैया लोग बोले कि अजगर का बच्चा है। अब आगे देखते हैं सांप है कौन सा है। ये देखिए बड़े भाई लोग बोले कि ये अजगर का बच्चा है। और इसको आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा सांप है, जबकि ये रसल वाइपर है। ये देख लीजिए कितना बड़ा रसल वाइपर है। और अनझटके में लोगों से गलती हो जाती है, बहुत लोगों को अभी सांप का नाम नहीं पता है। देख सकते हैं इसके आप अजगर का बच्चा समझ लेते, लेकिन है ये रसल वाइपर। नीचे कर दीजिए, नीचे अरे वहाँ नीचे करता है। अब इसका आप दांत देख सकते हैं कितना बड़ा है। अच्छा वही वाला दांत है, ये दांत गलाता है। अच्छा ये पूरा घुस जाता है अंदर ना। इसका कितना बड़ा दांत है। हाँ बहुत बड़ा दांत है।
शरीर को एक कराता है ना, ये इसमें जहर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसके अंदर जहर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। कितना बाबा काम करता है, ये बहुत झटके से वार करता है, कोबरा को भी खतरनाक माना जाता है। तो ये देख सकते हैं इसका दांत कितना बड़ा बड़ा है, जहर किसकी पुतली है, ये शरीर को गलाता है। अरे वो जो नीचे वाला है वो डबवा डबवा दे, देखो जी बढ़िया से भैया को ले लीजिए। इस सांप का नाम है रसल वाइपर, जो आप ध्यान से देख सकते हैं उसके दांत भी कितने बड़े बड़े हैं। ये इसके ऊपर जो दिख रही है जहर किसकी पुतली है। भैया लोग यहाँ पे समझे कि ये अजगर का बच्चा है, अनजक्के में कोई इसको हाथ लगाता है तो जिंदगी से हाथों बैठता है, जहाँ काटता है वो अंग को बहुत दूर तरह कराता है, कड़ा कड़ा के इंसान को मारता है। भैया कौन सा प्लांट बताइए ना, कम बोलिए बात करना, कौन सा ग्रीन डिस्ट्रोड केरेसिंग कंपनी। और कभी भी जब तक किसी सांप की जानकारी ना रहे तो उसको हाथ लगाना बेकार है। और ठंडी का समय चल रहा है, भैया लोग भी इतने अच्छे हैं कि केवल इसकी जान बचाने के लिए हमें बुला ली। मारने को मार भी सकते थे लेकिन मुँह बोली जानवर है, और धीरे धीरे हमारे ओगा नगरी में जान मारने की मानसिकता लोगों के पक्षी समाप्त हो रही है। पहले क्या था कि लोग फूल फूल के मार देते थे, इसी मुँह बोली जानवर है। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, सोचे कि चलो इनकी भी जान बच जाए। ये मुंगोली जानवर है कि भूले भटके अचानक आ जाता है, और ये भी बेचारे जाए तो जाए कहाँ, ये सब इन्हीं का घर मकान है, कहाँ जाए, पहाड़ी क्षेत्र है जंगल क्षेत्र है, बेचारे अपने जंगल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। धीरे धीरे घर मकान बनते चले जा रहे हैं, ये बेचारे भटकते चले जा रहे हैं, इनको भी रहने का एक स्थान दिया जाए, क्योंकि हम किसी का घर बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी हक नहीं है। ये रसल वाइपर है, और ऐसा सांप देखे तो हमेशा सावधान रहें। इसके साथ छोड़ेंगे कृपया भाई बंधु हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। तो जंगल में जाकर और आपको मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 84-23-48-92-90, 24 घंटा सेवा उपलब्ध। जय हिंद, जय भारत। चला गया, चला गया। भाइयों मैं अभी अभी एक सांप पकड़ के आ रहा हूँ, अब देखिए मैं इसको आज़ाद करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप देख सकते हैं, इसका नाम है रसल वाइपर, और इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए कुकर की सीटी की तरह इसकी आवाज़ है। इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ कुकर की सीटी की तरह है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा छोड़ूं। चलाई देख सकते हैं आप, इसको रसल वाइपर बोलते हैं, और जंपिंग बहुत तेज़ी से मारता है। ये देखिए ये कितना तेज़ी से
जंपिंग मारता है, इस वक्त बहुत क्रोध में है। ये देखिए इसको, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको कहते हैं रसल वाइपर। और ये बहुत तेज़ी से जंपिंग मार के वार भी करता है, और इसकी आवाज़ एकदम कुकर की सीटी की तरह बजने वाली है।